देश में जल्द ही 5G की सर्विसेज शुरू होने वाली हैं। इसको लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन लोग अभी भी सही तरीके से 4G सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी लोग तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। किसी का कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता तो कोई मिस कॉल से परेशान है, कभी क्रॉस कॉल लग जाता है तो कभी इमरजेंसी में फ़ोन लगाने पर आपको नेटवर्क आउट ऑफ रीच बताने लगता है। अब सब कुछ ठीक रहा तो नेटवर्क का वीक सिग्नल आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब आप समझ गए होंगे कि तमाम टेलीकॉम कंपनियां भले ही वादा कर लें कि पहाड़ों की चोटियों तक उनका नेटवर्क पहुंचता हो, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। आइए आपको बताते हैं कि साल 2021-22 में देश की जनता इन टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज कराती है। ये संख्या हजार, लाख, 10 लाख नहीं बल्कि 5.5 करोड़ है। चौंकिए मत, आपने सही सुना है। यह आंकड़ा संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने राज्यसभा में दिया है। आपको बता दें, देश में 114 करोड़ से अधिक मोबाइल सब्सक्राइबर यूजर्स हैं, जिनमें से 62.4 करोड़ शहरी कंज्यूमर्स हैं, वहीं 51.8 करोड़ कंज्यूमर्स गांवों के हैं। अब आपको ये भी पता चलना चाहिए कि ये शिकायतें किन टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ हैं। तो चलिए इस बात से भी पर्दा हटा देते हैं। तो एयरटेल है वो टेलीकॉम कंपनी जिसने शिकायतों के मामले में टॉप किया है। ग्राहक एयरटेल से इतने दुखी हैं कि 5.5 करोड़ शिकायतों में से एयरटेल की हिस्सेदारी 54% है, यानी एयरटेल के खिलाफ 2,99,68,519 शिकायतें आई हैं। दूसरे नंबर पर वोडाफोन आइडिया है, जिनके खिलाफ 2,17,85,460 शिकायतें आई हैं। वहीं रिलायंस जियो इस मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जियो के खिलाफ 25.8 लाख ही शिकायतें दर्ज हुई हैं। देश की सरकारी कंपनी भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL के खिलाफ 8.8 लाख और 48,170 शिकायतें दर्ज हुई हैं। अब आप इन टेलीकॉम कंपनियों की टेलीकॉम सेक्टर में कितनी हिस्सेदारी है ये भी जान लीजिए। देश में सरकारी कंपनी BSNL को छोड़ दें तो सिर्फ 3 प्राइवेट कंपनियां ही टेलीकॉम सेक्टर में हैं। पहले नंबर पर जियो है, जिसके पास 40.5 करोड़ कंज्यूमर्स हैं। वहीं दूसरे नंबर पर एयरटेल है, जिसके पास 36.11 करोड़ ग्राहक हैं। वहीं वोडाफोन आइडिया 25.9 करोड़ ग्राहकों के साथ अंतिम पायदान पर बनी हुई है। भारत इंटरनेट स्पीड के मामले में भी बेहतर स्थिति में नहीं है। ओकला के रिपोर्ट के अनुसार भारत मोबाइल में डेटा स्पीड के मामले में 118वें पायदान पर है। वहीं ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भी भारत 72वें पोजीशन पर है। बता दें, ओकला एक जानी मानी इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग कंपनी है और वो विश्व भर में इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने और इंटरनेट पर रिसर्च करने का काम करती है।